Hey everyone, welcome to Shums IAS. I am Shivangi Sharma and here I am with chapter 4 of Macroeconomics class 12th. And chapter 4 is Determination of Income and Employment. So here we are going to discuss about the determination of income and employment. Okay, so far we have talked about national income, price level, rate of interest, है ना, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं. Without investigating to the force that governs their value. देखो मैक्रो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है जिसमें हम पता करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. ओके, सो हम बेसिकली कंसंट्रेट करते हैं उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स पे जिनके वैल्यूज, मतलब देखो जिनकी वैल्यूज कहीं कांस्टेंट होते हैं. देखो, दस वी कंसंट्रेट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएबल्स. वी मस्ट होल्ड द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर वेरिएबल कांस्टेंट. अगर आपको किसी भी चीज़ को डिस्कस करना है, सपोज ठीक है, दीज आर वेरियस वेरिएबल्स, किसी भी दिस इज अ वेरिएबल ठीक है ऑफ एनी पर्टिकुलर, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का बहुत सारे वैल्यू वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, तो अगर आपको वो पर्टिकुलर चीज़ डिस्कस करनी है तो अगर आप सारे वेरिएबल्स में एक साथ चेंजेस कर देंगे, सारे जो भी अलग और भी जो भी पर्टिकुलर चीज़ें होते हैं उन सभी में अगर आप चेंजेस कर देंगे तो आपको उनको उसको डिस्कस करने में प्रॉब्लम आएगी. जबकि अगर आप एक एक चीज़ आई एम सॉरी एक चीज़ में चेंज करके बाकी सभी को कॉन्स्टेंट रखें तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं. फिर ऐसे एक 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 करके करेंगे, ये तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ये, राइट है ना. सो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के जो वेरिएबल्स है अगर हम उनको एक 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 करके डिस्कस करेंगे तो वो इजी हो जाएगा, रदर देन अगर हम सभी को एक साथ चेंजेस ले आ देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी. ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी. तो इस प्रोसेस को दिस अजम्पशन दिस थियोरेटिकल एक्सरसाइज इज नोन एज सिट्रस पेरिवस. ठीक है, जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, हर चीज़ बाकी चीज़ अलग रहेगी, एक वेरिएबल को चेंज करके हम बाकी चीज़ों, मतलब हम एक एक करके चीज़ों में फर्क कर सकते हैं. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स. नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग का चैप्टर पढ़ा, हमने काफ़ी टर्म्स से हम फेमिलियर हुए जैसे कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड GDP, है ना. तो इन्हीं चीज़ों के पर्सपेक्टिव में हम कुछ ऐसे, मतलब कुछ ऐसे वैल्यूज़ को, एक्चुअल वैल्यूज़ को डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम मेजर करते हैं, ठीक है, मेजर द एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ दिस आइटम एज मेजर्ड बाय द एक्टिविटीज़ विद इन द इकोनॉमी इन सर्टेन ईयर. सर्टेन ईयर में आप कितने उस पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी आइटम्स को लेके जो है वो, मतलब काम करते हो, एक्टिविटीज़ करते हो, डैट इज़ वो जो एक्चुअल अकाउंटिंग वैल्यू है, डैट इज़ एक्सपोस्ट. एक्सपोस्ट मतलब जो हो चुका है. ठीक है, समथिंग विच इज़ एक्चुअल, जो कि हो रहा है या फिर हो चुका है, डैट इज़ एक्चुअल. ओके, एंड डैट इज़ एक्सपोस्ट. ठीक है, जबकि जो हम प्लान करते हैं वेरिएबल्स, मतलब वी कॉल द प्लान्ड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट और आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स, दैट आर एक्स एंटे मेजर्स. सिंपल वर्ड्स में एक्स एंटे जो है वो हम प्लान करते हैं और एक्स पोस्ट इज समथिंग दैट एक्चुअली हैपेंड. फॉर एन एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी. सपोज देर इज एनी पर्टिकुलर कमोडिटी एंड अ फर्म इज सेलिंग इट. ठीक है, सो द फर्म हैज प्लान्ड, नॉट प्लान्ड बट उस पर्टिकुलर कमोडिटी का 100 units बिकती हैं, 100 units बिकी, सो दीज 100 units आर द एक्सपोस्ट. व्हाट एक्सपोस्ट, बट फर्म को लगता है दैट देयर इज एनी फेस्टिव सीजन कमिंग और एनी पर्टिकुलर थिंग कमिंग जिसकी वजह से ये जो यूनिट्स है ये बढ़ के 200 units हो सकता है. उन्होंने प्लान किया है और 200 units वो बनाते भी हैं. सो दीज वेरिएबल इज एक्स एंटे. ओके, यस, अब हम बढ़ते हैं कंजम्पशन की तरफ. ठीक है,
कंजम्पशन फंक्शन, बेसिकली कंजम्पशन क्या होता है, हम क्या क्या कितना कंजम्प कर कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज मतलब एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, कंजम्पशन का एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है इनकम, एक हाउस होल्ड की क्या इनकम है, सॉरी क्या इनकम है हाउस होल्ड की, वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है डिमांड को, राइट? और ये जो रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन कंजप्शन द डिमांड एंड इनकम ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, जब नॉट कमोडिटी सॉरी फैमिली, कोई भी हाउस होल्ड है, तो एक हाउस होल्ड में हाउस होल्ड की इनकम से जो उनके कंजप्शन का रिलेशन है, डैट डायरेक्ट रिलेशन इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है, बट मतलब ये बोल रहा है कि जिस रेट में इनकम चेंज होगी उसी रेट में हमारी कंजप्शन भी चेंज होगी, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, बट ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं होता है, कभी कभार ऐसा होता है हमारी इनकम जीरो हो बट हमारी कंजप्शन तो फिर भी हो ही रही होती है, राइट? हम जो हमारी बेसिक एमिनिटी है वो तो हम पूरी करेंगे, विच इज फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर, राइट? फूड क्लॉथ और शेल्टर इज समथिंग विच वी नीड, चाहे हमारी इनकम जीरो भी हो. सो दिस कंजप्शन इज नोन एज द ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है, एंड वी डिस्क्राइब दिस फंक्शन एज सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी स्मॉल सी वाई. तो इस इक्वेशन को हम कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं, जिसमें सी इज द कंजप्शन, ठीक है, द सी वाई इज द इंड्यूस्ड कंजम्पशन. देखो हमारा जो हेयर, दिस इज समथिंग विच इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड सी वाई इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन. हमारी कंजम्पशन इन्हीं दोनों का तो सम होगी. सपोज आप कंज्यूम करते हो, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल रफली, कि आप कंज्यूम करते हो अराउंड 20 यूनिट्स या फिर 20 प्रोडक्ट्स, ठीक है, उन 20 प्रोडक्ट में से 15 प्रोडक्ट्स आर विच इज इंड्यूस्ड, ठीक है, जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, दीज आर इंड्यूस्ड, जबकि मतलब नॉट मतलब इंड्यूस्ड आर समथिंग जो कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है, व्हाट इज योर इट डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन योर इनकम, इज इफ योर इनकम राइजेज द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड गुड्स विद राइज, ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ 5 इज द ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है. सो इन दोनों का सम इज योर टोटल प्रोडक्शन टोटल कंजम्पशन, येस, सो देर देर इज द फॉर्मूला, ठीक है. सी वाई जो हमारा सी वाई है वो शो करता है कि कितना हम इनकम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, कितने गुड्स कितना कंजप्शन इज डिपेंडेंट ऑन इनकम. अगर इनकम ₹1 से राइज करता है तो हमारी कंजम्पशन भी राइज करेगी, एंड एनी थिंग विच इज एडिशनल, हमने काफ़ी बार ये चीज़ डिस्कस की है, अगर हम ₹1 का एक एडिशनल कंजप्शन करते हैं, दैट विल बी योर आर एम पी सी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ओके, इट मे बी एक्सप्लेन्ड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन एज इनकम. देखो हमारी इनकम में अगर चेंज आता है एन एडिशन और रिडक्शन टू आर इनकम कैन अपेरेंटली जस्ट यू नो कैन अपेरेंटली इफेक्ट आर कंजम्पशन, ठीक है, तो एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई. वट इज डेल्टा सी? डेल्टा सी इज चेंज इन कंजप्शन एंड डेल्टा वाई इज चेंज इन आर इनकम, ठीक है, विच इज इक्वल टू सी, सो स्मॉल सी, सो हेयर एम पी सी इज ऑल्सो डिनोटेड एज स्मॉल सी, ठीक है. देखो अगर हमारी जो एम पी सी है मतलब जो चेंज इन सी है, जितना हमारी चेंज हो रहा है इनकम में उतना कमोडिटी में भी चेंज हो रहा है, ठीक है. एक तो ये हो सकता है कि चाहे हमारी इनकम में जितना भी चेंज है हमारी कमोडिटी में कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, चाहे हमारी इनकम जो भी हो रही है हमारी कमोडिटी वही सॉरी कंजप्शन वही है, तो ऐसी सिचुएशन में आर एम पी सी गोना बी ज़ीरो, राइट, बिकॉज एट द चेंज इन कमोडिटी कंजप्शन इज ज़ीरो, ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड करो तो आंसर इज गोना बी ज़ीरो. और सपोज़ कि आपकी इनकम में चेंज है 2 का और आपकी कंजम्पशन में भी 2 का ही चेंज आ रहा है, देन द आंसर इज गोना बी 1, तो हमारी एम पी सी जो है वो होती है 0 और 1 के बीच में,
ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही होती है हमारी एमपीसी। एमपीसी समवेयर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, क्लियर? सो हियर, अब हाँ, इमेजिन एक कंट्री इमेजिन करो जिसका कंजम्पशन फंक्शन डिस्क्राइब किया जाता है सी इज इक्वल टू 0.8 y, ठीक है। जब हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8, तो ऐसे में हमारी इनकम जो है वो 100 से राइज कर जाएगी, ठीक है, एंड कंजप्शन विल गो अप टू ₹80 तक की, ठीक है, जब हमारा हमारी जो इनकम है वो 0.8 में राइज कर जाती है, ठीक है। अगर हम एक और डायमेंशन देखें, डैट इज ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स वो पार्ट है जो हम कंज्यूम नहीं करते हमारी इनकम का, राइट? हमारी इनकम का जो पार्ट हम कंज्यूम नहीं करते हैं, बचा के रख लेते हैं, डैट इज सेविंग्स। सो व्हाट इज सेविंग्स? सेविंग्स इज इक्वल टू योर इनकम माइनस योर कंजम्पशन, राइट? अपनी इनकम से आप कंजम्पशन हटा दो जो बच गया, डैट इज योर सेविंग्स। सिमिलरली जो हमारी एमपीएस है, विच इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सेम ही सिचुएशन है, बस कंजप्शन की जगह सेविंग्स है, ठीक है। सो चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम इज इक्वल टू योर एमपीएस और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ पे जो और चीज़ें आती है, डैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखें, तो इट इज़ द कंजम्पशन पर यूनिट्स ऑफ इनकम, ठीक है। सी ओब्लिक वाई हमारी इनकम पर यूनिट का कंजम्पशन, ठीक है, मतलब इनकम की हर एक यूनिट पे कितना कंजम्पशन हो रहा है, डैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एपीसी। वेदर एपीएस इज द चेंज, नॉट चेंज, सॉरी, द सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम, हर एक यूनिट ऑफ इनकम में कितनी सेविंग हो रही है, डैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, क्लियर? नेक्स्ट, फर्दर मूविंग टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज द एडिशनल टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में आप जो ऐड करके रखते हो, ठीक है, या फिर जिसको आप फ्यूचर के लिए बचा के रख लेते हो, ठीक है, एंड चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ अ प्रोड्यूसर। व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री इज स्टॉक। उस स्टॉक में और आपके फिजिकल कैपिटल का स्टॉक, फिजिकल कैपिटल का स्टॉक इज इन्वेंट्री, राइट? तो उस स्टॉक में जो चेंजेस आते हैं, डेट इज इन्वेस्टमेंट। ओके, नोट करो, इन्वेस्टमेंट गुड्स फाइनल गुड्स के पार्ट होते हैं। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट गुड? इन्वेस्टमेंट गुड्स वो गुड्स है जिसको आप यूज करते हैं टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स। जैसे टेक एन एग्जाम्पल, सपोज यू आर अ टेलर। अगर आप टेलर हो तो आपके पास स्विंग मशीन होगी, ठीक है, सिलाई की मशीन होगी, आपके लिए तो डैट इज अ फाइनल गुड, राइट? आपके लिए तो वो फाइनल गुड है ना, यू आर यूजिंग डैट फॉर योर कंजप्शन। बट उसी चीज से आप और फाइनल गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज वाई दैट मशीन इज द इन्वेस्टमेंट गुड, ठीक है। वो इंटरमीडिएट गुड नहीं होते, दे आर नॉट इंटरमीडिएट गुड लाइक रॉ मटेरियल, दे आर इन्वेस्टमेंट गुड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आई गेस। सो मशीन प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर आर नॉट यूज्ड अप टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, बट उनको वो और गुड्स बनाने के लिए यूज नहीं होते, दे आर यूज फॉर द कंजप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर मशीन का जो कंज्यूमर होगा वो कौन होगा? द प्रोड्यूसर। द प्रोड्यूसर इज गोना बी द कंज्यूमर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड बिकॉज ही इज यूजिंग दैट पर्टिकुलर गुड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोर फाइनल गुड्स। दैट इज वाई दैट गुड इज गोना बी द इन्वेस्टमेंट गुड, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बाय प्रोड्यूसर सच एज वेदर टू बाय अ न्यू मशीन। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो भी प्रोड्यूसर लेता है, वो लार्जली डिपेंडेंट होती है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट में क्या रेट चल रहा है इंटरेस्ट का, उसमें एक बहुत बड़ा डिपेंडेंस होता है एक प्रोड्यूसर का जब वो नई मशीन खरीदने जाता है, ठीक है। तो हाउएवर फॉर सिंप्लिसिटी वी एज्यूम हेयर डैट फर्म्स प्लान, ठीक है, फर्म ना पहले ही प्लान करके रखता है कि वो मतलब वो इन्वेस्ट करेगा सेम अमाउंट एवरी ईयर। तो ये तो एक एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा क्योंकि हमने पहले ही प्लान करके रखा है, राइट? सो हेयर आई इज इक्वल टू आई स्लैश। आई स्लैश क्या है? आई स्लैश इज द पॉजिटिव कंस्टेंट विच रिप्रेजेंट द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इन द गिवन ईयर,
ठीक है, इजी। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल में कैसा डिटर्मिनेशन होता है इनकम का, ठीक है। अगर हम सोचें एक इकोनॉमी विदाउट अ गवर्नमेंट, एक इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट है ही नहीं, तो फिर द एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड इज द सम ऑफ टोटल ऑफ द एक्स एंटे कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सच गुड्स, ठीक है। सो योर एग्रीगेट डिमांड इज गोना बी द कंजप्शन प्लस द इन्वेस्टमेंट, राइट, यही होने वाला है। सो हेयर अगर हम देखें तो द सिचुएशन डैट वी आर गोना गेट इज समथिंग लाइक दैट। अगर जो फाइनल गुड्स है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसी सेम इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से रिवाइज कर देंगे। अगर y इज x एंथ और प्लांट आउटपुट ऑफ द गुड फाइनल गुड, द इक्वेशन कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड बाई एडिंग अप द टू ऑटोनोमस टर्म्स c bar and i bar, वेयर a bar इज इक्वल टू c bar प्लस i bar, ठीक है। तो फिर जो x एंथ सप्लाई है, जो हमारा x एंथ सप्लाई है वो इक्वल होगा x एंथ डिमांड के वेन द फाइनल गुड्स ऑफ द मार्केट, ठीक है। तभी हमारा इक्विलिब्रियम होगा। अगर हमारा जो एक्स एंटे सप्लाई है वो एक्स एंटे डिमांड की इक्वल है फॉर द फाइनल गुड्स, तभी हमारा इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। अब स्टॉक्स विल बी पिलिंग अप इन वेयर हाउसेज वेयर विच वी कंसीडर द यून इंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब देखो ऐसा होता है कि जो हमने प्लान करके रखा है, कभी कभार हम चीज़ें प्लान करके रखते हैं, ठीक है, डैट इज एक्स एंटे और एक्स पोस्ट, ठीक है। तो जो एक्स पोस्ट चीज़ें होती है वो कहीं हमारे मतलब जो हमने प्लान करके रखा है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती है, उसके अकॉर्डिंग भी चल सकती है। तो हमारे स्टॉक्स में कुछ तो वो आएगा, डैट इज कंसिडर एज द अनइंटेंडेड एक्युमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है। जो हमारी इन्वेंट्री में, हमारी इन्वेंट्री में जो चेंज आता है डैट इज कंसीडर्ड एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। इफ द राइज इन इन्वेंट्री, अगर हमारी इन्वेंट्री में राइज है तो वो एक पॉजिटिव इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, जबकि डिप्लेशन है तो वो एक नेगेटिव इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, नेगेटिव इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैन टेक प्लेस ऑफ, दो रीज़न होते हैं बेसिकली कि फर्म डिसाइड करता है कि वो वेरियस रीज़न की वजह से वो स्टॉक्स रखना चाहता है, वो पहले ही स्टॉक रखना चाहता है, उसके दिमाग में कुछ रीज़न है फर्म की कि हमें रखना है, ठीक है, स्टॉक, डैट इज प्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जबकि कभी ऐसा होता है कि सेल डिफर कर जाती है, मतलब मान लो एक फर्म ने 200 यूनिट्स बनाए और उसने सोचा कि 200 के 200 यूनिट्स बिक जाएंगे, बट सिर्फ 190 ही बिके और 10 तो रह गए इन्वेंट्री में, डैट इज़ अनप्लान्ड, वो तो हमने प्लान ही नहीं किया था। अपेरेंटली 200 चाहिए बट डिमांड आती है 210 की, 200 तो हमने कंज्यूम करके रखा है, 210 इज बट डिमांड 210 की आती है, तो 10 बच जाता है, वो तो हमें शॉर्ट हो गया, भी हमें शॉर्ट पड़ गई उसकी, ठीक है, ये भी अनप्लान्ड होता है, ओके। द मेजर, अगर हम देखें द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट डेट इफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड, अगर गवर्नमेंट है तो जो हमारी एग्रीगेट डिमांड में जो गवर्नमेंट इफेक्ट डालेगी वो कैसे डालेगी, बेसिकली बिकॉज ऑफ द टैक्सेस और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, ये दोनों ऑटोनोमस है हमारे एनालिसिस के लिए। गवर्नमेंट थ्रू इट्स एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एड्स टू एग्रीगेट डिमांड लाइक अदर फॉर्म एंड हाउस होल्ड, ठीक है। उसके अलावा जो टैक्स इम्पोज करती है गवर्नमेंट वो हाउस होल्ड की इनकम का इनकम ले जाता है, राइट, जो कि डिस्पोजिबल इनकम होती है बेसिकली। देयर फोर वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी, ओके। सो दिस इज समथिंग विच इज द इनकम सब्ट्रैक्टेड बाई टैक्स, जब हम इनकम से टैक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डेट इज वाई डी, ओके। हाउस होल्ड काफ़ी कम फ्रैक्शन ही है जो अपने डिस्पोजल के, मतलब वो जो उसकी मतलब कंज्यूमर कंजम्पशन पर्पज़ के लिए काफ़ी कम डिस्पोजल इनकम वो यूज़ करता है, ठीक है, कुछ फ्रैक्शन है। हेंस तो हमें जो एंड में जो
इक्वेशन मिलती है, डैट इज वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार प्लस जी प्लस सी ब्रैकेट स्टार्ट वाई माइनस टी। अब नोट करना है कि सी माइनस सी टी लाइक सी बार और आई बार, ठीक है, ये एनॉर्मस टर्म है, जस्ट लाइक ये जैसे ए जैसी एनॉर्मस टर्म को ऐड कर देता है, ठीक है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस चेंज एनालिसिस नहीं होता क्वालिटेटिव में, ठीक है। अगर हम पूरी जो हमारे रेस्ट ऑफ द चैप्टर है उसमें गवर्नमेंट सेक्टर को इग्नोर करें, ठीक है, और ये ऑब्जर्व करना है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, फाइनेंस गुड और सर्विसेज का कोई भी वो नहीं है, ठीक है, तो जो जीडीपी होगी वो इक्वल हो जाएगी हमारे नेशनल इनकम के, ठीक है, तो हम अपने रेस्ट ऑफ द चैप्टर में जीडीपी को एज अ वाई रेफर करने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन शॉर्ट रन। देखो, अगर जो डिमांड और सप्लाई कर्व है वो डिटरमाइन करता है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में हम दो स्टेप से प्रोसीड करने वाले हैं। सो फर्स्ट स्टेप में वी वर्क आउट मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम टेकिंग द प्राइस लेवल एट फिक्स। जब प्राइस लेवल फिक्स है तब कैसे इक्विलिब्रियम आएगा, और सेकेंड लेवल में जब प्राइस लेवल वेरी करता है, ठीक है, तब हम मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को एनालाइज करेंगे। वट इज़ द जस्टिफिकेशन फॉर टेकिंग द प्राइस लेवल एज फिक्स्ड। इसके दो रीज़न हैं, क्या कि फर्स्ट स्टेज में हम एज्यूम करने वाले हैं कि इकोनॉमी के पास अनयूज रिसोर्सेज है, इकोनॉमी ने अपनी रिसोर्सेज को यूज नहीं किया है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हमारी जो डिमिनिशिंग जो हमारे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग होता है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, तो जो भी एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो किसी भी मार्जिनल कॉस्ट के बिना होगा, ठीक है, देर विल बी नो मार्जिनल कॉस्ट बट हैंस देर विल बी अ एडिशनल आउटपुट, ठीक है, अकॉर्डिंगली जो प्राइस लेवल होगा वो वेरी नहीं करेगा, चाहे कितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस चेंज हो जाए बट हमारी जो प्राइस लेवल है वो वेरी नहीं करता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स विथ प्राइस लेवल फिक्स्ड, यहाँ पे हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो हेयर दिस इज समथिंग, हम ठीक है यहाँ से एक एक करके पढ़ते हैं। सो दिस इज समथिंग जो हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है, दिस इज द कंजम्पशन फंक्शन विद द इंटरसेप्ट सी, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है दिस शोज द इन्वेस्टमेंट फंक्शन विद आई एस ऑटोनोमस। इसके बाद हम बता सकते हैं हमारी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, देखो जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी वो वर्टिकली वो होगी जब हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे। सो हेयर जब ये हमारा कंजम्पशन था, सो यहाँ पे हमें जो लाइन मिली दिस वन शोज आर कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है, ये तो वो है जो हम कंज्यूम करेंगे बट दिस इज आर कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। सो जब हम हमारी कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को ऐड करते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है हमारी एग्रीगेट डिमांड विच इज दिस लाइन, ओके क्लियर। सेम होता है सप्लाई साइड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में, अगर हमें हमारी एग्रीगेट सप्लाई को चेक करना है तो हमें मिलता है एक 45 डिग्री की लाइन, ठीक है, एंड दिस इज आर एग्रीगेट सप्लाई, ओके। इक्विलिब्रियम ग्राफिकली शो होता है जब हम एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड को और एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई को टुगेदर एक ही ग्राफ में प्लॉट करते हैं, और जिस पॉइंट में एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड और एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई मिलता है इज इक्वल, डैट इज इक्विलिब्रियम। यहाँ पे दिस इज एक्स एंड एग्रीगेशन डिमांड एंड सप्लाई। सो इस पॉइंट में जहाँ पर ई में ये लोग मिल रहे हैं, ठीक है, जब हमारी एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई मिल रहे हैं पॉइंट ई में, सो दिस पॉइंट ई इज गोना बी द इक्विलिब्रियम, ओके। अब यहाँ पर द इफेक्ट ऑफ एन ऑटोनोमस चेंज इन एग्रीगेट डिमांड ऑफ इनकम एंड आउटपुट। जो ऑटोनोमस चेंजेस होते हैं
तो उससे डिमांड ऑन इससे जो इनकम और आउटपुट की डिमांड एग्रीगेट डिमांड है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं. फर्स्ट इज चेंजेस कंजप्शन, कंजप्शन में हमें चेंज देखने को मिलता है. सेकेंडली चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में हमें चेंज देखने को मिलता है. अगर हम कंसीडर करें कि सी इज इक्वल टू 40 + 0.8 y एंड आई इज इक्वल टू 10, इस केस में जो इक्विलिब्रियम इनकम होगी डैट वो 250 कंसीडर की जाएगी. बट अगर हम इन्वेस्टमेंट को राइज कर दें 20 पे तो जो इक्विलिब्रियम मिलेगा नया इक्विलिब्रियम डैट इज गोना बी 300. ठीक है, तो द वैल्यू एग्रीगेट डिमांड एट, देखो इधर ये वाला जो है डैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ आउटपुट. ठीक है, तो जब दिस इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय एन अमाउंट ऑफ E1F, तो E1F को हम मेजर करेंगे. सो E1F मेजर्स द अमाउंट ऑफ एक्सेस डिमांड दैट एमर्ज इन द इकोनॉमी एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर. तो इधर जो न्यू इक्विलिब्रियम आउटपुट है, जब हमारे इक्विलिब्रियम में चेंज है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन लाइन. तो इधर एक तो हमारा पॉइंट मिलता है डैट इज ऑन E1 एंड सेकेंड इज ऑन E2. ठीक है, तो हमारा जो E1G है, E1G एंड E2G इज इक्वल, राइट. सो विच इज ग्रेटर देन द इनिशियल इंक्रीमेंट ऑफ ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर. तो फिर इसमें हम बोल सकते हैं डैट एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर सीम्स टू हैव अ मल्टीप्लायर. जो हमारा ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट है, इसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक मल्टीप्लायर है इन आर इक्विलिब्रियम वैल्यूज ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड आउटपुट. ठीक है, अब हम मल्टीप्लायर मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं. सो मल्टीप्लायर मैकेनिज्म में बेसिकली होता क्या है, डैट इज कि हमारी जो भी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, बेसिकली हमारे जो भी एक्सपेंडिचर है उसमें ईच राउंड में, हर एक राउंड में हमारा जो मल्टीप्लायर है वो बढ़ता जाता है. ठीक है, उसका स्क्वायर बढ़ता जाता है. सो हेयर 10 + 0.8 10 + 0.8 2 10 + 0.8 3 एंड सो ऑन. सो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर ले तो हमें मिलता है 10 1 + 0.8 + 0.8 2 + 0.8 3 एंड सो ऑन. और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 10 / 1.08 एंड द आउटकम इज 50. ओके, सो ये है हमारा मल्टीपल मैकेनिज्म. द इन्वेस्टमेंट इन द इक्विलिब्रियम, सॉरी द इंक्रीमेंट इन इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टोटल आउटपुट दस एक्सीड द इनिशियल इंक्रीमेंट इन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर. मतलब हमारी जो इकोनॉमिक जो टोटल इक्विलिब्रियम वैल्यू होती है वो एक्सीड कर जाती है बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर. ठीक है, और जो रेशियो होता है हमारे टोटल इंक्रीमेंट इन इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आउटपुट टू इनिशियल इंक्रीमेंट इन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन ए बार. ठीक है, विच इज अपेरेंटली इक्वल टू 1/(s). जहाँ पे ऑब्जर्व करना है, देखो ऑब्जर्व द साइज ऑफ मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर का जो साइज है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ सी. अगर सी की वैल्यू ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज कर जाएगा. अब हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. देखो, इफ द पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, द टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग इन इकोनॉमी विल नॉट इंक्रीज, इट विल ईदर डिक्लाइन और रिमेन अनचेंज. दिस रिजल्ट इज नोन एज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. सपोज आपके पास, हमें टाइम देखने को मिलता है ऑफ रिसेशन. तो रिसेशन के टाइम में आप, हम बेसिकली क्या करेंगे, अपनी जो हम बेसिकली जो हम चीज़ अभी तक कंज्यूम कर रहे थे उस कंजम्पशन के लिए हम अपनी सेविंग्स को सेव, पैसे को सेव नहीं करके उन जगहों पे लगाएंगे जहां पर हम कंज्यूम करते थे ताकि हमें उसी इक्वल लेवल का कंजप्शन मिलता रहे. बट ऐसा यूजुअली नहीं होता है. जब रिसेशन होता है तो यूजुअली लोग अपने पैसे सेव करते हैं. ठीक है, अब सेविंग्स एज एन इंडिविजुअल लेवल पे तो ठीक है. ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे तो सेविंग्स एक अच्छा रिजल्ट ला के देता है. ठीक है, हम यूजुअली पैसे सेव करते हैं, राइट. बट इन अ होल लेवल
सेविंग इज नॉट अ गुड सेविंग गिव्स नॉट अ गुड रिजल्ट. कैसे? सपोज कि आप अपनी इनकम का एक अराउंड 10%, नॉट 10% बट एक काफ़ी, सपोज 10% या आप रेस्टोरेंट में लगाते थे, ठीक है, आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते थे. सो आप अपने इनकम का 10% देते थे उस रेस्टोरेंट में, आप स्पेंड करते थे, तो उस 10% से उन रेस्टोरेंट के जो लोग थे उनका काम चलता था, उनको पे मिलती थी. बट जब आप सेव कर रहे हैं देन यू आर नॉट गोइंग इन अ रेस्टोरेंट, तो जो वो लोग हैं, ठीक है, जब अल्टीमेटली जो वो लोग हैं जो वहाँ से आपके थ्रू पैसा कमाते थे, उनको पैसा नहीं आएगा, ठीक है, तो वो आगे जाके कुछ चीज़ें खरीदेंगे नहीं, ठीक है ना, वो खरीदेंगे. तो ऐसे हमारी जो इकोनॉमिक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. जब हमारे इकोनॉमिक साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा तब आगे जाके जो चीज़ें हैं वो अपेरेंटली महंगी हो जाएंगी, ठीक है. सो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, जहाँ पे हम सोच रहे होते हैं कि सेविंग से हम लोगों को फ़ायदा होगा, अपेरेंटली वो कहीं ना कहीं हमें होल लेवल पे कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव इंक्रीमेंट देता है, जबकि इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग्स इज़ अ गुड, ठीक है. अगर हम शॉर्ट रन में देखें तो सेविंग से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, बट इन द लॉन्ग रन सेविंग्स काम आती है, बिकॉज अगर आप अभी पैसे सेव कर रहे हो तो कुछ सालों के बाद आप उसको यूज़ तो कर सकोगे, ठीक है. मतलब शॉर्ट रन में सेविंग्स डोंट गिव अ गुड आउटकम, बट इन अ लॉन्ग रन, जब आप लॉन्ग रन की बात करते हैं तो सेविंग्स एक अच्छा रिजल्ट ला सकती है. ओके, सो नेक्स्ट इज सम मोर कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. द इक्विलिब्रियम आउटपुट इन द इकोनॉमी ऑल्सो डिटरमाइंस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हमारे इक्विलिब्रियम का क्या एक आउटपुट है, इससे हम एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसमें जो और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी भी हम क्वांटिटीज लेते हैं. इसका मतलब दैट लेवल ऑफ आउटपुट डिटरमाइंड बाय द इक्वालिटी ऑफ वाई एंड ए डी डज नॉट नेसेसरीली मीन द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एवरीवन इज एम्प्लॉयड, ठीक है. तो अगर इफ जो हमारे इक्विलिब्रियम लेवल है ऑफ आउटपुट, ये ज़्यादा या कम हो सकता है अकॉर्डिंग टू द फुल लेवल ऑफ, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट. अगर इट इज़ लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ आउटपुट, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट, ये इस फैक्ट से कि डिमांड इज नॉट इनफ, है ना, डिमांड मतलब इतनी डिमांड नहीं है कि इतने लोगों को काम मिल सके, है ना. अगर इतनी डिमांड नहीं है कि इतने लोग काम कर सके, डैट मीन देर इज़ अ डेफिशिएंट डिमांड. और जबकि इतने लोग एम्प्लॉयड है, फुली एम्प्लॉयमेंट लेवल है, फिर भी लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो रही, सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो रही, ये सिचुएशन होती है एक्सेस डिमांड की, ठीक है, जिससे लॉन्ग रन में प्राइजेस में इंक्रीज देखने को मिलता है. सो येस, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू वेरी मच.